प्रेजेंट टीचर। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे एडवर्ब्स के बारे में। लेकिन एडवर्ब्स का डिफिनेशन और टाइप पढ़ चुके हैं, आगे देखेंगे क्या है। आगे प्लेस ऑफ एडवर्ब। प्लेस ऑफ एडवर्ब का क्या मतलब हुआ? एडवर्ब, कुछ एडवर्ब होते हैं वो सेंटेंस में कहाँ यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, कहाँ यूज करेंगे तो गलत होगा, कुछ इसी टाइप का चीज हम लोग देखेंगे। डेट मीन्स प्लेस इन अ सेंटेंस ऑफ एन एडवर्ब, किसी भी सेंटेंस में उसका प्लेस क्या होगा, किसका, एडवर्ब का, ये देखेंगे। कुछ एडवर्ब होते हैं जिसको आप लोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा लेते हैं, कुछ होते हैं बीच में यूज कर लेते हैं, कुछ होते हैं जिसको बाद में यूज करते हैं, ठीक है। इन्हीं सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे प्लेस ऑफ एडवर्ब में। प्लेस ऑफ एडवर्ब का मतलब क्या है, एडवर्ब सेंटेंस में किस जगह पे, किस प्लेस पे लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट रूल इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर जनरली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, जनरली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब इफ द वर्ब इज ट्रांजिटिव और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ द वर्ब इज इंट्रांजिटिव। क्या मतलब है, कोई भी एडवर्ब है, कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर, कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर की बात कर रहे हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो सेंटेंस में कहां पे आएगा, हमेशा वर्ब के बाद आता है, नॉट ऑल टाइम बट जनरली यही होता है, क्या वर्ब के बाद यूज करते हैं, ठीक है। अगर वो वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वर्ब के बाद होगा। और अगर वो वर्ब जो है ट्रांजिटिव हुआ यानी ऑब्जेक्ट हुआ उस सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। आइए एग्जाम्पल से देखिए, मीता इज शाउटिंग लाउडली, ठीक है। अब ये लाउडली वर्ब है ना, लाउडली वर्ब है और शाउटिंग वर्ब, सॉरी लाउडली क्या है, एडवर्ब है और शाउटिंग वर्ब है। तो लाउडली जो एडवर्ब है इसको कहां यूज किए हैं, आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद यूज किए हैं। लेकिन ये शाउटिंग कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद होगा। अगर यहाँ कोई ट्रांजिटिव वर्ब होता तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी होता, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता तो उस ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, एडवर्ब लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए द गर्ल्स प्लेड द गिटार वेल, ये क्या है, वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब कहाँ आया, इस ऑब्जेक्ट के बाद। अगर सेंटेंस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा यानी इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो वर्ब के बाद लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है यानी उसमें ऑब्जेक्ट भी है तो वर्ब के बाद तो लगेगा, लेकिन कब, उस ऑब्जेक्ट के भी बाद लगेगा, यानी इस गिटार यानी ऑब्जेक्ट के बाद लगा है, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर ऑल्सो प्लेस आफ्टर द वर्ब इफ द वर्ब इज इंट्रांजिटिव एंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ द वर्ब इज ट्रांजिटिव। क्या मतलब हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, इन दोनों का जगह कहाँ होता है, इन दोनों को भी हम लोग यूज करते हैं वर्ब के बाद। लेकिन अब वर्ब दो टाइप के हो सकते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसको वर्ब के बाद ही लगा देंगे, अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसका ऑब्जेक्ट होगा तो एडवर्ब को कहाँ लगाएंगे, तब ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे अगर ट्रांजिटिव होगा तो। जैसे देखिए पुट द बॉक्स इन हियर, ये पुट क्या है, वर्ब है, द बॉक्स इन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए हियर जो है इस वर्ब के तो बाद आया ही है, लेकिन अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया ना, तो इसके बाद यूज करेंगे, गॉट इट, इसके बाद यूज करेंगे एडवर्ब, ठीक है। अब देखिए इट स्नोड यस्टरडे, अब स्नोड क्या है, स्नो क्या है, वर्ब है, इंट्रांजिटिव है, इसमें ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं होगा यहाँ पे कोई तो वर्ब के बाद ही यूज कर देंगे, ठीक है। अगला टाइप क्या है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एंड सम टाइम्स एडवर्ब ऑफ मैनर आर प्लेस्ड बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, ओके, क्या समझे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो बार बार आता है, ठीक है, जो बार बार कोई काम होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री मात्रा बताने वाला, ठीक है, इन दोनों को हम लोग कहां यूज करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, गॉट इट, इसको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज करते हैं।
ठीक है। कभी कभी एडवर्ब ऑफ मैनर को भी हम लोग इसमें बीच में यूज करते हैं, ये कभी कभी होता है। जनरली मैनर को हम लोग वर्ब के बाद लगाते हैं, पर कभी कभी बीच में हो जाता है। लेकिन ये जो होता है ना, ये फ्रीक्वेंसी और डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिग्री, इसको जनरली हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगाते हैं। वर्ब कैसा होना चाहिए? वर्ब वर्ड वर्ड का होना चाहिए, एक ही वर्ब होना चाहिए, यानी हमेशा मेन वर्ब होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखिए, आई ऑलवेज टेल हर टू वर्क हार्ड, ऑलवेज क्या है? एडवर्ब है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका यूज कहां किया है? सब्जेक्ट आई और वर्ब टेल के बीच में किए हैं, गॉट इट। आई क्वाइट लाइक हिज सिंसियरिटी, अब यहाँ क्वाइट को देखिए, ये एडवर्ब है ना, ये कौन सा एडवर्ब है बताइए? ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, इसको हम लोग कहां यूज किए हैं? सब्जेक्ट और वर्ब, इन दोनों के बीच में किए हैं, गॉट इट। तो जनरली यही होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसको हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में करते हैं, गॉट इट। कभी कभी एडवर्ब ऑफ मैनर को भी बीच में यूज कर लेते हैं, जैसे आई क्लियरली आस्क्ड हिम द प्राइस, अब क्लियरली एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसको देखिए, इसको हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज किए हैं, ये कभी कभी होता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं? वर्ब के बाद करते हैं, ठीक है, जो पहला रूल है। चलिए आगे क्या है, इफ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, द एडवर्ब कम्स आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। अभी मैंने बताया कि एक ही वर्ब होगा, एक ही वन वर्ड वर्ब होगा, यानी वो मेन वर्ब होगा, लेकिन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो वर्ब हो जाएगा, तब कौन से के बीच लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में लगाएंगे, या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाएंगे? तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हेल्पिंग वर्ब से बाद लगाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाएंगे। जैसे देखिए, शी हैज जस्ट टोल्ड मी द न्यूज, अब यहां देखिए, ये जस्ट क्या है? वर्ब है ना, इसको कहां लगाया है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसके बीच में लगाया है, ठीक है। हम लोग रूल क्या पढ़े हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगेगा, तो सब्जेक्ट ये हुआ और ये भी तो वर्ब हुआ, तो जस्ट तो यहां भी आ सकता था, लेकिन कब होगा ऐसा? जब एक वर्ब होगा, यहाँ दो वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, ये मेन वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, तब कहां लगाएंगे? तब लगाएंगे इन दोनों वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। जैसे जस्ट क्या है? ये एडवर्ब है, इसको हम लोग दोनों हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में लगाए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल है, इफ द वर्ब इज, एम इज, आर, वाज, वर, द एडवर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। कोई सेंटेंस है जिसमें एम इज, आर, वाज, वर ये सब यूज हुआ है, तो एडवर्ब हमेशा क्या होगा? इन सब के, एम इज, आर, वाज, वर के बाद यूज करेंगे। जैसे दे आर ऑलवेज हैप्पी, अब देखिए ऑलवेज कहाँ यूज किए हैं? आर के बाद, ठीक है, इसके बाद यूज करेंगे। तो कोई भी सेंटेंस होगा, एम इज, आर, वाज, वर होगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद यूज करेंगे, गॉट इट। एंड द फाइनल रूल इज, व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, द एडवर्ब यूजुअली कम्स बिफोर इट। कोई भी एडवर्ब क्या करता है? या तो वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, या एडजेक्टिव को, या एडवर्ब को, ठीक है। तो वर्ब वाला तो हम लोग देख लेंगे कि कहाँ कहाँ प्लेस करेंगे, ठीक है। अगर वो एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, तो जिसको क्वालिफाई करना होगा उससे पहले होगा एडवर्ब, ठीक है। जैसे देखिए, दैट वाज अ रैदर फनी कार्टून, अब फनी क्या है? एडजेक्टिव है, और रैदर क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए इसको इसके पहले यूज किए, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना होगा तो उसको एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे, ठीक है। एडवर्ब को क्वालिफाई करना होगा, किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करना होगा किसी एडवर्ब से, तो उस दूसरे एडवर्ब के पहले इस एडवर्ब को लगाएंगे। जैसे शी शोल्ड द रीडर क्वाइट एफर्टलेसली, एफर्टलेसली भी एडवर्ब है और क्वाइट भी एडवर्ब है, ठीक है। अब इसको क्वालिफाई करने के लिए हम लोग इसके पहले क्वाइट लगाए थे, एफर्टलेसली को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग क्वाइट को इसके पहले लगाए थे,
तो क्या समझे, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए अगर एडवर्ब का यूज करेंगे तो उसके पहले यूज करेंगे, ठीक है, जिसको क्वालिफाई करना होगा उसके पहले। तो ये था रूल्स कि हम लोग कब किसी सेंटेंस में कहां पे हम लोग कोई भी एडवर्ब यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।